विषय का एक व्याकरण होता है और व्याकरण के द्वारा ही वो विषय को सिखाया जा सकता है। जैसे कि कविता, कविता कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन कविता में लगने वाला जो व्याकरण है वो सिखाया जा सकता है, आया ना। तो हर एक विषय का, हर एक विषय का अपना अपना एक व्याकरण है, ऐसा मेरा मानना है। तो अहम बात यह है, ये छोड़ दो कि कौन सा कलर है, कौन सा रंग, याद ये रखो कि मिल को न्यूट्रल इसलिए है कि नहीं, इसलिए कि बाकी सारे कोई भी कलर न्यूट्रल के ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, कंपेरिजन में सब सब कलर के बनने आएंगे, ठीक है। तो मिड तो इसलिए किया है कि दोनों तरफ हम जा सकते हैं, लाइट करना है तो लाइट की तरफ भी जा सकते हैं, डार्क करना है तो डार्क की तरफ। इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप अभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप हिंदी या इंग्लिश का एग्जाम्पल दे, न्यूज़पेपर में देखो सेंटेंसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड अभी करना, लेकिन जब अंग्रेजी वो राइटर सीख रहा होता है, जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकंड स्टैंडर्ड, सो उसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लेके सिखाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये टाइप का कोई दिक्कत है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, ये टेंस है, ये है ना, समझ आ रही बात। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड मैं करूँ सेंटेंस और पास पास करूँ, ऐसा करूँ, तो आपको तो अच्छा लगे आप मस्त लिखा है, लेकिन उसमें व्याकरण कहाँ गायब हुआ आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, बेस को कितना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कोई उसके उसका रूल है, यस नो, डीजल कैसे लगाने का उसका भी डिपेंडिंग। आप मेरे को पूछते जाओ, मेरे पास चार महीने का मटेरियल है, आप पूछते जाओ, इतना मैं जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँ, डीजल इस तरह से क्यों लगाया जाता है, इसको सामने क्यों रखाया जाता है, इधर क्यों नहीं रखा, इसके पीछे भी पसंदी कहते हैं उसके पीछे नहीं करता, उसको स्ट्रेट रखने का रीज़न है, उसको हाई लेवल पे रखना उसका रीज़न है, सब उसके अलग आएंगे। जैसे कि मोहिनी अट्टम का रूल अलग होगा, भरतनाट्यम का रूल अलग होगा, है ना। इसमें ऐसा नहीं कह सकते भरतनाट्यम का रूल ज़्यादा सही है और मोहिनी अट्टम का रूल कम सही है, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। डांस डांस जानते हो ना, तो हर एक का अपना अपना कायदा होगा, गिटार का कुछ अलग रूल होगा, गिटार का अलग रूल होगा, ऐसा नहीं कि ये गलत है ये सही है। उसी तरह से बड़ा कर सकते, उसे ने हमारे मदर टेरेसा का बेस कितना बड़ा बड़ा भी किया है, घोड़े ने कितने बड़े बड़े किए हैं ना, लेकिन वो दूसरा जहाँ वो मोहिनी अट्टम, हम क्लासिकल आर्ट भरतनाट्यम करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं और यहाँ पर, ठीक है, इसके हिसाब से देखा जाए जो मैं आपको आईब्राउज कहाँ होनी चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ होनी चाहिए, आईब्राउज ठीक है, ठीक है ना, क्या ना। अब इसके मुकाबले में नोज कहाँ आ रहा है, देखो आज आप प्रमोशन सीख रहे हैं, आपको वो बड़ा चैप्टर है ना प्रमोशन के बारे में, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक मोटी किताब है ना लाइब्रेरी में, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने देखा आपको पढ़नी पड़ेगी, आप आज सीख रिलेटिव टू दैट। अगर फ्लोर से सीलिंग तक 100 फीट है तो मेरा ये सर का मेरे जूते का है ना, कुछ और मेरा रिलेटिव रिलेटिव के हिसाब से होता ना, ठीक है। और पहली बात, मैं सिर्फ ब्राउन वर्ड नंबर ले रहा हूँ और उसको लेके उसका डायरेक्शन देखो इस तरह, इसको आप इरेज भी कर सकते हो अगर आपको लाइन अच्छी नहीं लगी, जैसे वाटर कलर होता है ना, मिनरल स्प्रिट लेने लगा आप इरेज कर, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ
Yes, no, maybe. आप देख रहे हो मैं सारा कुछ स्ट्रेट लाइन की कर्व होने से पहले इसका एंगल इस एंगल को कहते हैं क्या कहते हैं आपसे उसको पॉलिश किया है। बेसिक स्ट्रक्चर
हमारी घर में जो इसलिए कल्चर के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन आर्ट के द्वारा ही है, आर्ट बड़ा अहम हिस्सा है। सिर्फ एक डिफरेंस, सिर्फ टिंट लाइट तरफ टिंट जाओ, शेड डार्क की तरफ जाओ, टिंट और शेड दोनों मिला के वैल्यू हो जाता है। नीर पानी दोनों अलग चीज़ नहीं है, नीर साउथ कहते हैं पानी। तीसरा क्या है, इंटेंसिटी, ठीक है, इसका पढ़ना क्यों जरूरी है बताओ, यहाँ पर इसका यू का मतलब क्या होता है, कौन सा रंग है, रेड ब्लू ग्रीन येलो पर्पल, ठीक है। गाली क्या होता है, पिंक और रेड दो अलग कलर है या दो अलग वैल्यू है। वैल्यू इंडिया में ज़्यादा टोन होते हैं ना, पर वैल्यू यूएस में भी ज़्यादा वैल्यू या टोन होते हैं, तो समझ इस मीनिंग सेम ही। लाइट ग्रीन और डार्क रेड में क्या फर्क है, यू का भी फर्क है टोन का भी है क्या नहीं। इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी रंग का, देखिए यू क्या होता है, कलर होता है, जो भी कलर होता है, वैल्यू टोन लाइट एट आउट, इंटेंसिटी कोई भी कलर का डलनेस या ब्राइटनेस, इसकी ल्यूमिनोसिटी, डिग्री ऑफ ल्यूमिनोसिटी, इसको कोई भगवान जाने कैसे खा सकती है, आप समझ, आप समझ गए किसी भी कलर का क्यों है, उसको पढ़ना क्यों है, क्योंकि अगर आप कोई भी कलर देखोगे ये कलर देखो आप और ये कलर देखो, ये भी ब्लू है ये भी ब्लू है, ठीक है, हाँ ना, ये लाइट है ये डार्क है, ठीक है। लाइट को लाइट कैसे करना है, ब्लू में व्हाइट मिक्स किया तो लाइट, ब्लू को डार्क कैसे करना है, ब्लैक मिलाया जाए तो डार्क। लेकिन नोटिस कीजिए ये ल्यूमिनस है, ये थोड़ा डल है, लाइट कलर्स जो होते हैं ना वो थोड़े ब्राइट ल्यूमिनस होते हैं। उसी ऑरेंज ब्राइट कपड़ा जो आपने पहना है उसी का अगर आप गोल्ड देखेंगे गोल्ड के अंदर उसे डार्क ही नहीं होगा पर डल ही होगा, कोई भी कलर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन येलो को डल कैसे किया जाए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर या फिर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसलिए कि येलो और पर्पल एग्जैक्ट ऑपोजिट है एक दूसरे को किल करते हैं, उसका भी मैं ठीक से सीखा हूँ कैसे कैसे। ये दो कलर में से येलो का प्रमाण किसमें ज़्यादा है, ये आपको एग्जैक्ट नहीं लेना, एवरेज है ना, एवरेज आपको 40 दिख रहा है ना, वो सेफ्टी कौन सा है, 45 लेना सेफ है या 35 लेना सेफ है, जवाब तो बहुत सुंदर है, सिर्फ इस जवाब को याद रखिए जब आप पेंट करते हैं। मेरे स्टूडेंट जो है वो जवाब बहुत अच्छी थी, जब करते हैं ना बिल्कुल वो जवाब उस तरफ जाता है तो उनका पेंटिंग नहीं चलता, यहाँ पर शायद ऐसा नहीं है, एवरेज है, एवरेज की वजह होने की वजह से, क्योंकि यहाँ का उनकी बात नहीं करो, मैं रंग की बात, इसकी बात करूँ, इसकी बात नहीं करूँ, यू की बात, यहाँ शायद थोड़ा रेडिश ऑरेंज, यहाँ शायद थोड़ा पर्पलिश ऑरेंज, यहाँ शायद थोड़ा ग्रीनिश ऑरेंज, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना, और टोन के हिसाब से यहाँ शायद लाइट ऑरेंज, यहाँ शायद मीडियम ऑरेंज, अलग अलग शायद ऑब्जर्व नहीं कर रहा। एवरेज क्या, एवरेज के लिए तो शायद उसको, हाँ एक और बात बता दूँ, जब हम ये डिवाइड करते हैं ये और ये, उसको अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो बोल्ड लेटर्स लिखना होगा, आप इस एरिया में इस टेरिटोरी में जो भी करोगे ये और वो जो भी सब कुछ करना है आपको वाइट इस्तेमाल किया है, यहाँ पर जो भी मतलब आप कहोगे यहाँ पर कान का देखो लाइट है ना, कान का लाइट, उसको वाइट इस्तेमाल करके करना नहीं होगा,
क्यों नहीं करना है क्योंकि लाइट सोर्स यहाँ से ये तो नहीं कह सकते होंगे सारे इंडिया में लाइट है, अमेरिका में सब डार्क है, लेकिन शिकागो एरिया है उसमें भी इंडिया जैसा लाइट है, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ से टर्न हो रहा है, ये इंडिया है आप लाइट कैसे होगा, सेम लाइट सोच लो तो होता क्या है, माइंड आ जाता है बीच में लाइटिंग की बातें करने की, ये रिलेट कर पा रहा है, इसका नाम लिख लो सर जी। तो ठीक है, अभी होता क्या है समझ में आ गया, इतना सिंपल बात, अभी हमें क्या करना है डार्क के बारे में नहीं सोचना है, अभी हमें बीच में जो मर्जिंग पॉइंट है, जनरली हम सोचते क्या है कि कोई ब्रश लेके ऐसा करना होता है, करेक्ट गलत है, हमने इस फॉर्म को ढूंढने की कोशिश की थी, इसे इस फॉर्म को ढूंढने की कोशिश की थी, इसे मैंने बड़ा भाई छोटा भाई तो बीच वाला भाई का कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी करता ऐसा होता है, मिड टोन भी तो ठीक से ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए, मिड टोन तो बीच वाला भाई का कोई मतलब ही नहीं है, बड़ा भाई बड़ा अच्छा, छोटा भाई बड़ा अच्छा, बीच वाला भाई बड़ा अच्छा, ऐसे नहीं होता है, तीनों को ही एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए ना, तो वो भी ढूंढना होता है, उसको भी ढूंढना होता है, वहाँ पर जाए तो आप चाहिए तो आप वाइट यूज कर सकते हैं, बीच वाला इसके और इसके बीच में मतलब बना है, ठीक है। प्योर वाइट है ना, जीरो हो गया, thank you.
जगह आपको कभी आके देखना तो देख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ अमेरिका से आया तो सही मिलता हूँ, है ना। तो ब्लैक का मात्रा ये है कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिक्स कर रहे हैं, रेड और ग्रीन मिक्स करने से ग्रे होगा, लाइट ग्रे होगा। कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं? पहली बार सुन रहे हो कलर थ्योरी? फिर से बताऊं, रेड और ग्रीन कॉम्प्लीमेंट्री है ना, येलो पर्पल कॉम्प्लीमेंट्री, ब्लू और ऑरेंज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को किल करते हैं, एक दूसरे को निखार के लाते हैं, एग्जाम्पल दूसरे, ठीक है। लाइट ऑरेंज और लाइट ब्लू मिक्स करने से 50-50 आपको लाइट ग्रे मिलता है। उसी तरह से अगर आप लाइट ग्रीन मिक्स करते हैं, लाइट रेड के अंदर 50-50 आपको लाइट ग्रे मिलेगा, ठीक है। तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं हमें थोड़ा। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक्सट्रीम डार्क रेड लें, जैसे कि एक्सट्रीम डार्क ग्रीन लें, जैसे कि टेलो ग्रीन, वेरिएंट ग्रीन जैसे एक कलर आता है टेलो ग्रीन, यहाँ मिलता नहीं होता। एक्सट्रीम डार्क ग्रीन और एक्सट्रीम डार्क रेड 50-50 मिक्स किया तो क्या होगा? एक्सट्रीम डार्क रेड आ क्या ना, एक्सट्रीम डार्क रेड ना, उसको मिक्स करते हैं। ये मेरे पास 0-3 है, इसको ले रहा हूँ, ये मेरा रिजल्ट है। इतना मगजमारी करने की क्या जरूरत है? जैसे बॉम्बे बोलते हैं मगजमारी, सीधा ब्लैक क्यों नहीं यूज करते हैं? आप पूछ सकते हो, बड़ा अच्छा सवाल है। उसका जवाब ये है कि वो जो ब्लैक है जाने की जरूरत नहीं है। आज है ना,
से आर्ट स्कूल में एक्सपीरियंस।